आशाराम जी बापू जैसे संतों को बदनाम करने की जो कोशिश चल रही है वो इस देश के हित में नहीं है, ये हिंदुओं के हित में नहीं है और सनातन धर्म के हित में नहीं है। आप बोल रहे हैं ये पूरा केस खाली उनको बदनाम करने के लिए किया गया था, तो उन सब का क्या जो विटनेसेस को गोली मारी गई थी? और दूसरा आप बोल रहे हैं कि इनअप्रोप्रिएटली उस लड़की को टच करने की कोशिश की थी, तो क्या वो गलत नहीं है? देखो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ आपको कि ये जो केस है ये बलात्कार का केस नहीं है। जिसको आईपीसी में आउटरेजिंग ऑफ वुमन्स मोडेस्टी ये जो कलम है सेक्शन 354 सचमुच में वो जो कलम है उसी कलम के अंतर्गत जो भी कुछ फरियाद हुई है वो फरियाद हुई है। बाकी के सेक्शन लगाए हैं वो बराबर नहीं लगाए हैं, ऐसा हमारा कहने का मतलब नहीं है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि वो जो बद इरादा से छेड़छाड़ होने की उसने जो फरियाद की है तो ये फरियाद ये छेड़खानी है, यदि किसी ने की है तो उसको जस्टिफाई करने का मेरा आशय नहीं है। वो तो तय कोर्ट में हुआ है, भविष्य में कोर्ट में होगा। मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि ये बलात्कार का केस नहीं है। जो अभी बताया जाता है कि बलात्कारी बाबा को दोषी करार दिया गया, ये जो शब्द प्रयोग है वो शब्द प्रयोग सही नहीं है। ये FIR में भी नहीं है, चार्जशीट में भी नहीं है और जजमेंट जो है उसमें होने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। आपकी ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए, आप सूरत रेप के इसके ऊपर क्या बोलते? वो अलग बात है, ये यहाँ के जो केसेस जो है उनकी FIR अलग है, उनके जो फरियादी है वो अलग है, उनकी कोर्ट्स अलग है, उनकी ट्रायल अलग चल रही है, तो वो विषय ऊपर अभी बात करने का सवाल नहीं है। मेरी जो प्रतिक्रिया है ये प्रतिक्रिया जोधपुर का जो फैसला है उसके ऊपर सीमित है।